खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारा ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह से गुट और गिरोह में बढ़ चुकी है। आपसी द्वंद और एक दूसरे को नीचा दिखाना यह कांग्रेस नेताओं की आदत बन गई है। राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की पीसी करते हैं तो कमलनाथ को कमल कहकर उनकी बेइज्जती करते हैं, और जब कमलनाथ पीसी लेते हैं तो दिग्विजय सिंह की बेइज्जती करते हैं, और जब दिग्विजय सिंह को मौका मिलता है तो वो कमलनाथ के पीछे पड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक कांग्रेस में यही माहौल है। इसका कारण है हिस्सा बाटी। अपने गुर्गों को कितना टिकट मिलेगा, इस द्वंद में मध्य प्रदेश कांग्रेस चल रही है। दो दिन पहले दिग्विजय ने जो सागर का दौरा किया वो कमलनाथ को अच्छा नहीं लगता, और कमलनाथ भारत जोड़ो यात्रा में कोई कार्यक्रम करते हैं वो दिग्विजय सिंह को अच्छा नहीं लगता। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह गुट और गिरोह में बढ़ चुकी है। आपसी द्वंद, एक दूसरे को नीचे दिखाना, ये कांग्रेस के नेताओं की आदत हो गई है। और क्यों ना हो, जिस पार्टी का राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश में आता है और भारत जोड़ो यात्रा के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो कमलनाथ जी को कमल कहकर उनकी बेइज्जती करता है। कमलनाथ जी जब प्रेस देते हैं तो वो दिग्विजय सिंह जी की बेइज्जती करते हैं। दिग्विजय सिंह जी को जब मौका मिलता है तो वो कमलनाथ के पीछे पड़ जाते हैं। ये ऊपर से दिल्ली से लेकर और प्रदेश तक केवल यही माहौल है, और उसका कारण है केवल और केवल हिस्सा बाटी। मुझे कितना मिलेगा, मुझे कितने टिकट मिलेंगे, मेरे गुर्गों को कितना टिकट मिलेगा, इस द्वंद में मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी चल रही है। दो दिन पहले दिग्विजय सिंह जी दौरा करते हैं सागर जिले का, वो कमलनाथ जी को अच्छा नहीं लगता, और कमलनाथ जी भारत जोड़ो यात्रा में कुछ कार्यक्रम करते हैं तो वो दिग्विजय सिंह को अच्छा नहीं लगता। कांग्रेस की स्थिति बस से बदतर हो रही है। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवा के साथ आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।